भीमा एक दूध का व्यापार है, दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता है। भीमा पिछले 15 साल से दूध का व्यापार कर रहा है, लेकिन उसने आज तक अपने दूध में मिलावट नहीं की है। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसकी पत्नी कीरा भी उसी की तरह है। मैंने सारा दूध निकलकर कैंस में डाल दिया है, तुम जल्दी से जाकर व्यापार करके आ जाओ। आज हमारी बुलबुल का जन्मदिन है। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था। मैं आते वक्त एक केक लेकर आऊंगा। ये कहते हुए भीमा अपने व्यापार पर चला जाता है। वैसे बुलबुल उनकी गाय का नाम है। भीमा और कीरा अपनी गाय को घर के सदस्य की तरह समझते हैं। कुछ ही दिन पहले उस गांव में एक डॉक्टर आया था, जो एक व्हीलचेयर पर बैठकर एक एक करके सारे गांव के पालतू जानवरों को इलाज कर रहा था। डॉक्टर साहब, क्या ये इंजेक्शन मेरे गाय को देना जरूरी है? उसे तो कोई बीमारी भी नहीं है। बात हमेशा बीमारी की नहीं होती है दोस्त, कुछ चीजें आने वाले खतरे से बचने के लिए भी होती है। अपनी गाय के लिए केक खरीद रहे बीमा उस डॉक्टर की बातें सुनता है और उसे एक अच्छा इंसान समझकर वहां से चला जाता है। असल में वो डॉक्टर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ताकि वो अपने खोए हुए पैर वापस पा सके। इस चक्कर में उसने अब तक लाखों जानवरों की जान ले चुका था, फिर भी उसे अपने पैर वापस पाने की लालच खत्म नहीं हुई। एक दिन ऐसे ही वो पागल डॉक्टर भीमा के घर आता है। भीमा का दिमाग में उसकी अच्छी चावी थी, इसलिए बिना कोई सवाल किए वो अपनी गाय को इंजेक्शन लगाने दे रहा था, लेकिन तभी उसे कीरा रोक लेती है। ये क्या कर रहे हो जी? हमारी बुलबुल तो एकदम ठीक है, फिर उसे ऐसे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? ये भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए है कीरा। तुम चिंता मत करो, ये डॉक्टर साहब अच्छे इंसान है। ये कहते हुए भीमा अपने ही हाथों से अपनी गाय को बर्बाद करने लगता है। वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद बिल्कुल की आंखें नीली हो जाती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है। आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा, फिर बुलबुल ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? तुम चिंता मत करो कीरा, मैं अभी जाकर उस डॉक्टर को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहते हुए भीमा जाकर उस डॉक्टर को पकड़ कर लेकर आता है, लेकिन तब तक बुलबुल मर चुकी थी। बाकी गायों की तरह डॉक्टर उनके नुकसान की भरपाई करने की बात करता है, लेकिन भीमा और कीरा उन्हें उनकी बुलबुल ही वापस चाहिए कहकर जिद पर बैठते हैं। तुम लोग इतने जिद कर रहे हो तो मेरे पास एक मशीन है, तुम्हें तुम्हारी बुलबुल मिल सकती है, लेकिन तुम में से किसी एक को अपना आधा शरीर खोना पड़ेगा। बिना सोचे दोनों डॉक्टर की बात से सहमत होते हैं और अपनी गाय को लेकर लैब में जाते हैं। सारी तैयारियां होने के बाद भीमा डॉक्टर को उठाकर मशीन में पटक देता है और मशीन को ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर का आधा शरीर और गाय का आधा शरीर मिलकर एक होकर मशीन के बाहर निकलते हैं। वो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? हम कुछ नहीं किया है मिल्कमैन, तुम्हें मासूम जानवरों पर अत्याचार करने की सही सजा मिली है। अब बटको अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह, ना इंसान ना जानवर। ये कहते हुए भीमा और कीरा उसे अपने साथ लेकर जाते हैं।
वो मिल्कमैन एक साधारण गाय से दुगना दूध दे रहा था। बीमा उसी दूध से व्यापार करते हुए उस मिल्कमैन को बुलबुल के तबेले में रखता है। कीरा और भीमा को अपनी गाय जाने का दुख तो था, लेकिन अभी उसके शरीर का आधा हिस्सा उनके पास जिंदा है। उनका व्यापार तो अच्छा चल रहा है। और संकी डॉक्टर को ये बहुत देर से पता चली है कि बुराई के अंत हमेशा बुरा ही होता है। हल्दीपुर नाम के गांव में सूर्या नाम का एक लड़का रहता था। हल्दीपुर वालों का ये मानना था कि सूर्या जानवरों की बातें समझ सकता है। उन्हें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जानवर उसकी आवाज सुनते ही गुस्सा हो तो शांत हो जाते हैं और कमजोर हो तो उठकर खड़े हो जाते थे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो शिवा भाई? तुम्हारे ही भाई सूर्या को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मेरी गाय सुबह से परेशान कर रही है। ये कहते हुए शिवा अजित के भाई के पास जाता है। अजित को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी जब लोग अपने जानवरों की समस्या लेकर उसके भाई के पास जाते हैं। जिसे देखो हमेशा सूर्या सूर्या कहते हुए घूमते हैं, जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इस छोटे भाई को कुछ करना पड़ेगा। ऐसी सोच रखते हुए अजित अपने ही भाई के प्रति देर सारे ईर्ष्या और नफरत पैदा कर लेता है और उसे किसी ना किसी तरह मुसीबत में डालकर उसकी मदद करके खुद को अपने छोटे भाई से बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। क्या बात है शिवा भैया, इतने सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे माफ कर दो सूर्या, मैं तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई समस्या लेकर आ रहा हूँ। इस बार भी मेरी गाय काफी परेशान कर रही है। ऐसे मत कहिए शिवा भैया, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। चलिए चल उसे देखते हैं। ऐसे सूर्या शिवा के साथ जाकर उसकी गाय से बात करके गाय को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर अजित आता है। वह खुद का शांत पागल हो रहा है, उसकी कोई फिकर नहीं है तुम्हें। हमेशा दूसरों की गुलाम करते हो। इन जानवरों के साथ रह रहकर तुम भी जानवर जैसे बनते जा रहे हो। ऐसे अजित अपने भाई को डांट कर वहाँ से लेकर जाता है और इसी बात को अपनी आदत बनाकर अजित हर वक्त सूर्या को डांटते हुए उसे किसी भी जानवर की मदद नहीं करने देता है। भैया गांव के सारे जानवर अजीब से बर्ताव कर रहे हैं। आपको सब जल्दी से वहाँ बुला रहे हैं। मुझे माफ कर दो छोटे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अजित भैया ने मुझे बहुत शक्ति से मना किया है। ये कहकर सूर्या उस बच्चे को वहाँ से भेज देता है। इतने सारे छोटे और बड़े सारे जानवर मिलकर एक साथ कूदने की वजह से हल्दीपुर में भूकंप भी आ जाता है। बदकिस्मती से उस भूकंप के वजह से बने हुए एक गड्ढे में अजित गिर जाता है। उसे वहाँ से निकलना किसी इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। बचाओ बचाओ, कोई है, मैं इस गड्ढे में फंस गया हूँ। उसकी आवाजें सुनकर कुछ गांव वाले गड्ढे के पास आते हैं। तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? जब मैं यहाँ पर खड़ा था तब कोई गड्ढा नहीं था। अब बातें बंद करो और मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर सूर्या आता है। अपने भाई से साफ साफ शब्दों में कहता है कि उसे कोई इंसान बाहर नहीं निकल सकता है। उसे उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए 10 से 15 ताकतवर बैलों की जरूरत पड़ेगी। इतने
इतनी सारी बैलों की मदद करने के लिए मुझे पहले उनकी मदद करनी पड़ेगी, और आपने उनकी मदद करने से साफ मना किया है। इसका मतलब आपको अब इस गड्ढे में ही रहना होगा। वो बात सुनकर अजित रोने लगता है और सबसे माफी मांगकर उसकी मदद करने को कहता है। तब सूर्या जाकर अपने भाई के लिए मदद लेकर आता है और कुछ बैलों की मदद से उसे बाहर निकल लेता है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं जिन गायों और बैलों की मदद करने से तुम्हें रोका था, आज उन्हीं की वजह से मैं बच पाया हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी भी जानवर की मदद करने से नहीं रोकूंगा।